नमस्कार। चढ़ती थी चादरें उस मजार पर बेशुमार, चढ़ती थी चादरें उस मजार पर बेशुमार, और बाहर बैठा एक फकीर सर्दी में मर गया। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खबरों की तरफ लिए चलेंगे आपको, लेकिन इससे पहले हर रोज की तरह एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तनातनी बनी हुई है। कई मुद्दों को लेकर दोनों आमने सामने हैं। पिछले काफी दिनों से, चुनाव से पहले से ही ये तनातनी चल रही है, और चुनाव खत्म होने के बाद तो तनातनी और बढ़ गई है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी कल, जिनमें कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इन्वाइट किया गया था ताकि वहां का जायजा लिया जा सके, वहां के बारे में जानकारी ली जा सके, कोविड-19 संक्रमण को लेकर जानकारी ली जा सके। लेकिन इस मीटिंग के बाद कईयों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वर्चुअल मीटिंग में उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई। पहले पायदान पर ममता बनर्जी हैं, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इनका कहना है कि उन्हें वरीयता नहीं दी गई और उन्हें बोलने नहीं दिया गया इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वर्चुअल मीटिंग में वह बहुत कुछ बोलना चाहती थी। इससे नाराज होकर ममता बनर्जी सीधे नवान्न पहुंच गई और वहां पत्रकारों के सामने उन्होंने अपना गुस्सा केंद्र सरकार के खिलाफ जाहिर कर दिया। कुछ लोगों का यह भी कहना है, केंद्रीय अधिकारियों का, केंद्र सरकार से जुड़े अधिकारियों का यह भी कहना है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से नौटंकी कर रही हैं। इसे लेकर खेल शुरू हो गया है और बयानबाजियां भी की जा रही हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी अपनी तीसरी पुण्यतिथि पर देश भर में याद किए गए। पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें याद किया गया। कांग्रेस के नेताओं ने उनकी मूर्ति पर, उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया। और बात करते हैं बर्नपुर की। आसनसोल के बर्नपुर इलाके में भी स्वर्गीय राजीव गांधी याद किए गए। इन दृश्यों में हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उन्हें दिल से याद किया कांग्रेस के नेताओं ने। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम लोग सब कोई उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, आज जो देश में महामारी जो फैला हुआ है कोविड-19, उसके लिए हम लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर का पब्लिक के बीच में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, और हम लोग आने वाले समय में इस तरह का जो भी कार्यक्रम हम लोगों के जो पार्टी का निर्देश है उसके अनुसार हम लोग करते रहेंगे। और आज इस दिन हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं, और सद्भावना दिवस एक दूसरे से जोड़ने की ये है, ये सबों को मिल करके देश को चलाने के लिए वक्त है। इसलिए हम लोगों ने आज इस सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सैनिटाइजर और मास्क का वितरण का आयोजन किया। आपका नाम प्रेम नारायण सिंह, जिला प्रतिभा कांग्रेस। आसनसोल साउथ कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी स्वर्गीय राजीव गांधी याद किए गए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई, और उन्हें कहा गया कि राजीव गांधी देश के एक सच्चे सिपाही थे, उन्होंने देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया है। तीसवीं पुण्यतिथि पर याद किए गए स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, और इस मौके पर स्थानीय नेतागण मौजूद थे, सभी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से हम लोग आज राजीव गांधी का तीसवा डेथ एनिवर्सरी, राजीव गांधी के स्टैचू पे हम लोग माला पहनाकर उनको याद किए, और हम लोग यहाँ से जो कोरोना का महामारी पूरे देश भर में चल रहा है, हम लोग आज राजीव गांधी के डेथ एनिवर्सरी के दिन और भी हम लोग कई दिन से ये कार्यक्रम चला रहे हैं कि इस महामारी में खास कर सैनिटाइज़र मास्क लेकर हम लोग यहाँ पे मार्केट में बैठे हुए जो व्यापारी, जो सब्जी वाले, जो मछली वाले, जो फल वाले, जो
जिनके हाथों में देखा जाएगा कि सैनिटाइजर और मास्क नहीं रहता है, आज हम लोग उनको कुछ देर में देने वाले हैं। और कई एक दिन के अंदर से अंदर में ही हम लोग हाटन रोड राज मेडिकल के सामने एक कोविड वैक्सीन को लेकर जो देश में महामारी चल रहा है, बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, तो हम लोग आज शपथ लिए हैं कि दो दिन के अंदर हाटन रोड राज मेडिकल के सामने कोविड वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करने का काम हम लोग वहां पे फ्री में करेंगे। आसनसोल के किसी भी इलाके से कोई भी लोग आएंगे और वहां से आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये काम हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। आज का दिन नहीं बोलेंगे कि कोरोना का महामारी, सरकार का जो गाइडलाइन है, सरकार का गाइडलाइन को पालन कीजिए। जो सुबह 7 से लेकर 10 तक भी मार्केट में ज़रूरत की सामान आपको लेना है, उसी वक्त आप बाहर निकलें और बाकी टाइम आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। आपका नाम आलम खान, आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट। बात करते हैं कोरोना की, आखिर कैसे कंट्रोल होगा कोरोना। अगर बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के बेगूसराय से हमारे पास एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। स्क्रीन पर देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं एक बिल्डिंग। ये बिल्डिंग नहीं, ये स्वास्थ्य केंद्र है जो ढह कर गिर गया है। आज आपको बता दूं कि 35 साल पहले इस स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया था, लेकिन 35 साल गुजर गए लेकिन इसका उद्घाटन नहीं हुआ। और इसके बाद आज की ये रिपोर्ट हमारे पास आ रही है कि ये स्वास्थ्य केंद्र ढह कर गिर गया। ये बेगूसराय जिले के कविया गांव में बनाया गया था 35 साल पहले, लेकिन इसे देखने वाला कोई भी नहीं था। आखिरकार ये बिल्डिंग आज गिर गई लड़खड़ाकर, और स्वास्थ्य केंद्र के प्रति जो उम्मीद थी, थोड़ी बहुत लोगों को लग रहा था कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा, यहाँ डॉक्टर्स आएंगे, वो भी अब खत्म हो गई। ऐसे ही कोरोना को हम मात दे पाएंगे, एक बड़ा सवाल। कोरोना महामारी के इस दौर में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे समाज सेवी हैं जो लगातार समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी को मास्क और सैनिटाइजर सौंपे गए दो समाज सेवियों द्वारा। आसनसोल के दो समाज सेवी शंकर चैटर्जी और सुब्रत चैटर्जी ने आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये तमाम सामग्रियां सौंपी, और अमरनाथ चैटर्जी ने बताया कि सैनिटाइजर्स को और मास्क को सेफ होम में भेज दिया जाएगा। सिख समाज से जुड़ी संस्थाएं लगातार कोरोना योद्धा के तौर पर काम कर रही हैं, जरूरतमंदों की मदद कर रही हैं। अगर बात करें सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की, बात करें झारखंड में कुमार धुबी गुरुद्वारे की, बात करें निरसा गुरुद्वारे की, बात करें सिख वेलफेयर सोसाइटी की, सभी संस्थाएं लगातार ज़रूरतमंदों की मदद कर रही हैं। इसी के संदर्भ में आपको बता दूं कि आज आसनसोल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया इन तमाम संस्थाओं की तरफ से, और इस कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि किस तरह से वह लोगों की मदद कर रहे हैं, और इस मौके पर पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर इन तमाम संस्थाओं के पदाधिकारीगण मौजूद थे। अतिथि के तौर पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य अभिजीत घटक सहित और भी कई लोग खास तौर से मौजूद थे। नमस्कार। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, कुमार डुबी, निरशा और वेस्ट बंगाल और सिख वेलफेयर सोसाइटी 1.5 महीने से ये कोविड-19 की जो महामारी चल रही है उसमें बढ़ चढ़कर ऑक्सीजन की, जो डॉक्टर मेडिसिन लिखते हैं, मास्क सैनिटाइजर की सेवा नई हट्टी, बर्दवान, दुर्गापुर, रानीगंज, कुमारडुब्बी, निरसा, परनपुर, आसनसोल सब जगह 1.5 महीने से सेवा कर रही है। तो हम लोगों ने विचार किया, आप हमारे जो मीडिया भाई हैं, आप लोग भी अपने जान जोखिम में डालकर हम लोगों को दुनिया की एक एक पल पल की खबर हम लोग को पहुंचाते हैं, हम लोग अलर्ट करते हैं, अच्छी न्यूज़ें बताते हैं, तो आपका भी ख्याल करने के लिए हम लोगों ने सोचा। तो मैंने हमारे अभिजीत दा के और रॉकेट दा को, दीपक भैया को, जितने हमारे मेंबर भाई हैं सब आए हुए हैं, तो सब ने मिलकर सोचा कि चल आप लोग को सम्मान दिया जाए। आपको सम्मान करके हम लोग खुद अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमारे हर प्रोग्राम की
हाईलाइट करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं कि हमारा क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि आप हमारे हमेशा हमारे साथ रहते हो। और मैं आगे भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी ज़रूरतमंद हो, किसी को कोई परेशानी हो ऑक्सीजन की, मेडिसिन की, जो डॉक्टर लिखते हैं, या और कोई परेशानी हो, प्लीज़ आप हमारे किसी दादा अभिजीत दा, रॉकेट दा, या कोई भी मेंबर को आप लोग कॉन्टेक्ट कर लो। हम लोग का बस खबर आएगी, आप लोगों को गुप्त सेवा दे दी जाएगी, कोई इसका हल्ला नहीं किया जाएगा, किसी को जानकारी नहीं दी जाएगी। क्योंकि हम लोग दुख के खड़े समय में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखिए फोटो खिंचाओ वो करो, तो हम लोग चाहते हैं जिसको भी खबर आए वो सीक्रेट बता दे कि भाई फलाने को ये दुख है, वो दुख हम लोग कोशिश करेंगे दूर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी बेनती है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग उम्मीद है एक दो दिन के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वहाँ पर पीपी किट और जो जो जरूरत होगी वहाँ पर हम लोग सेवा के लिए जाएंगे। दादा से मेरी बातचीत हो रही है और आगे और एक दो प्रोग्राम हमारे होने वाले हैं। और हम लोग राशन वगैरह जो है, कुछ बहुत से लोगों का फ़ोन आ रहा है कि हमारे इलाके में राशन नहीं है, तो हम लोग वेट करें, हमारे मुलायदा आ जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, तो हम लोग शायद एक जगह देख के 500-600 लोगों को, 300 अदर बर्दवान से लेकर कुमाडो बिन निरसा तक सिखों को और प्लस अदर हमारे जो भाई बहन हैं उनको 300 लोगों को चावल दाल आटा चीनी एक एक बैग में डाल के सबको ड्राई राशन दिया, ताकि वो अपने घर में 15-20 दिन महीना जो भी हमारे तक सकती है सेवा करेंगे, ये 2-4 दिन के अंदर करेंगे। वो डेट आप लोगों को मैं बता दूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सारा कोविड जे এই সময়টা চলছে প্যান্ডেমিক যে টাইম, সেই সময় তারা কিন্তু মানুষের সঙ্গে থাকছে, মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। এবং আজকে আমরা দেখতে পেলাম যে আসানসোল শিখ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এই এলাকার যারা সংবাদ মাধ্যমের আমাদের প্রেসের লোকেরা রয়েছেন, যারা রিপোর্টাররা রয়েছেন, যারা মিডিয়ার লোকেরা রয়েছেন, তাদেরকে আজকে সম্মানিত করে এবং এই প্রেসের যারা আমাদের বন্ধুরা রয়েছেন তারাও যে কোভিডের সাথে লড়াই করছেন, নানান জায়গা থেকে খবর মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন এবং অনেক জায়গায় যে বিভ্রান্তিগুলো ছড়াচ্ছে, নানান রিউমার যে ছড়াচ্ছে, সেইগুলো সঠিক জিনিসটা মানুষের কাছে তুলে দিচ্ছেন যে এগুলো সত্যি নয়, এগুলো রিউমার, এগুলো মানুষ বিশ্বাস করবেন না। এইসব জিনিসগুলো যে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং মানুষকে সঠিক তথ্যটা দেওয়া কোভিডের ব্যাপারে, এর জন্য তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আজকে আসানসোল শিখ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তাদেরকে নানান রকম করোনার সাথে লড়াই করার জন্য সামগ্রী তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো, যার মধ্যে কিছু ওষুধ রয়েছে, ভিটামিন ওষুধ রয়েছে, পিপি কিট থেকে শুরু করে হ্যান্ড স্যানিটাইজার রয়েছে, মাস্ক রয়েছে। এই সব জিনিসগুলো তারা ব্যবহার করলে এবং তারা যে নানান এলাকায় ছুটে বেড়াচ্ছেন খবর সংগ্রহের জন্য, তাদেরকে এই জিনিসগুলো, এই সামগ্রীগুলো তাদেরকে সাহায্য করবে করোনার থেকে দূরে থাকতে, করোনার থেকে বেঁচে থাকতে। তাই আজকে শিখ ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা সর্বস্তরের মানুষের সাথে দাঁড়াচ্ছেন, পাশে দাঁড়াচ্ছেন এবং সর্বস্তরের মানুষের খেয়াল রাখছেন। আজকে আমরা অনেকেই সংবাদ মাধ্যমে যারা রিপোর্টাররা রয়েছেন তাদের কথা আমরা ভাবি না, কিন্তু আজকে শিখ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তাদের কথা ভেবে তাদের যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। रानीगंज के एक और कोरोना योद्धा की हम बात करना चाहते हैं। रानीगंज के सोमनाथ चटर्जी लगातार कोरोना योद्धा के तौर पर काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ अपनी कार को भी उन्होंने लगा दिया है लोगों की सेवा में, अपनी प्राइवेट कार को उन्होंने खड़ा कर दिया है रानीगंज के एक प्राइवेट अस्पताल के सामने और लोगों से ये अपील की है कि जिनको भी ज़रूरत हो कोरोना मरीजों को पहुँचाने की जरूरत हो वो हमारी कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं कि सोमनाथ चटर्जी जरूरतमंदों को मास्क बांट रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। उनकी टीम के तमाम मेंबर्स इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। हाँ
इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, हमें सहयोग करते रहें और हमारे साथ संबंध बनाए रखें और सुझाव हम तक पहुंचाते रहें, अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।